अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस किस के आहास में द्रेगोस खाना लेकर बिबोलत के पास पहुंचता है। बिबोलत कहता है, अमीर बहारुद्दीन ने सलाम भेजा है, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। द्रेगोस कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक गरीब घंटी वाला हूँ। लेकिन बिबोलत जड़ से अपना खंजर उसकी गर्दन पर रख देता है और कहता है, अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। फिर द्रेगोस मान जाता है और कहता है, अमीर बहारुद्दीन मुझे सोना देते थे, आप क्या देंगे। बेबोलत कहता है, लेकिन मैं तुम्हें सोना नहीं दूंगा। फिर वो उसे खंजर दिखाता है और कहता है, इससे अच्छी तरीके से देख लो, तुम्हारा वाहिद इनाम तुम्हारी ज़िंदगी है घंटी वाले। ये सुनकर द्रेगोस रजामंद हो जाता है। दूसरी तरफ अर्ताहुल अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो गया था क्योंकि वो सरहद पर लईस से मिलने के लिए जा रहा था। दूसरी तरफ काई कबीले के मरकजी खेमे में अकदमिश उस्ताद नकीस और द्रेगोस को ले आते हैं। ताजिर नकीस कहता है, मैं अर्ताहुल साहब के बाजार का इंचार्ज हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ आपकी मदद करने के लिए भेजा है। सलजान पूछती है, ये शख्स कौन है। ये सुनकर नकीस कहता है, इसका नाम जांगुच है, ये गिरजा घर में घंटी बजाता है। सलजान कहती है, अच्छा तो वो तुम हो जिसने सुलेमान और गुंदुस को इलबिलगी खातून के पीछे भेजा था। द्रेगोस कहता है, हाँ, गद्दार घात लगाकर हमला करने वाले थे, जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने फौरन गुंदुस को इत्तला दे दी। सलजान कहती है, अच्छा। फिर सलजान कहती है, अकदमिश उस्ताद, आप खैमों के लिए डंडे तैयार करें और हफ्सा खातून तुम खवातीन के साथ मिलकर खैमे तैयार करो और उन्हें कहो कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। इसके बाद सब अपना अपना काम करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अर्ताहुल अपने साथियों के साथ सरहद के करीब पहुंच जाता है। इतने में लईस अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। लईस कहता है, अर्ताहुल साहब, आप क्या चाहते हैं, आप मुझसे भीख क्यों मांग रहे हैं, मैं आपके बेटे के साथ जो चाहता वो कर सकता था। अर्ताहुल कहता है, तुम जानते थे लईस, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ता। लईस कहता है, मैं समझ गया, आपका असल मकसद उनका बदला लेना है। अर्ताहुल कहता है, हाँ, मैं ना सिर्फ सिक्कों का बदला लूँगा बल्कि उसका भी जिसका तुम्हारा पट्टा जिसके हाथ में है। तुम्हारी रियासत ने तुम्हें एक मकाम देकर रखा हुआ है, लेकिन तुमने अपनी तलवार गद्दारों के लिए रखी हुई है। अब तुम मुझे वो दोगे जो मुझे चाहिए। जिस दिन गवर्नर यानिस मरा था, उस दिन हमने गवर्नर को हार दिया था, वो हार अब कहाँ है। लईस कहता है, मुझे नहीं पता अर्ताहुल साहब। अर्ताहुल कहता है, मुझे सब कुछ पता है, उस हार में द्रेगोस की शनाख्त है। फिर अर्ताहुल कहता है, मुझे मालूम है कि तुम द्रेगोस के कुत्ते हो, अब मुझे बताओ कि वो कहाँ है। दूसरी तरफ कबीले में सलजान सुलेमान के पास बैठी हुई होती है और कहती है, बेटा तुमने अपने आप को खतरे में क्यों डाला। सुलेमान कहता है, हम उन्हें जान पूछ कर मरने नहीं दे सकते थे, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है वालिदा। फिर सलजान कहती है, हमारा कबीला आने वाला है, उसकी चीज़ें लेने के लिए हम कबीले से बाहर जाएंगे, मुझे तुम्हारी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी दादी तुम्हारा ख्याल रखेंगी। दूसरी तरफ जंगल में लईस कहता है, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊंगा, मैं तुम्हारे मुतालबे नहीं मानूंगा। अर्ताहुल कहता है, अब हमारी तलवारें बोलेंगी। ये कहकर वो हमला कर देते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर अर्ताहुल लईस को काबू कर लेता है और उसकी गर्दन पर तलवार रख लेता है। फिर अर्ताहुल अपनी तलवार छोड़कर उसे मारने लगता है। फिर अर्ताहुल उसे दरख के साथ बांध कर मारने लगता है और कहता है, मुझे बताओ कि द्रेगोस कौन है। लईस कहता है, वो मौत की तरह है, वो कहीं भी हो सकता है। ये सुनकर अर्ताहुल उसे और मारने लगता है और उसे नीचे गिरा देते हैं। आखिर में लईस कहता है, ठीक है, मैं बताता हूँ, हमने तुम्हारे सोने जो हासिल किए थे
उससे हमने नए जंगजू खरीदे हैं। कमांडर द्रेगोस कुछ देर में यहाँ होंगे और मुझे कुछ नहीं पता है, अर्ताहुल कहता है। झूठ मत बोलो, कमांडर द्रेगोस अभी तक सोगट में है और मैं तुम्हें सोगट में सजा दूंगा। दूसरी तरफ इल्बिलगे बिबोलस से पूछती है, आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे भाई? ये सुनकर बिबोलत कहता है, अमीर बहारुद्दीन तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं। ये सुनकर इल्बिलगे हैरान हो जाती है। फिर बिबोलत उठकर सलजान के पास आ जाता है और कहता है, मैं उमर कबीले का सरदार हूँ। इसी दौरान बाजार में अर्ताहुल लईस को बांध कर ला रहा होता है। बाजार के सब लोग उसे बददुआएं दे रहे होते हैं। फिर अर्ताहुल उसे सराय की तरफ लेकर चल पड़ता है। दूसरी तरफ बिबोलत कहता है, मैं आपके कबीले की बहाली के लिए दुआ करता हूँ। मैं कुंदुक्तो साहब को जानता हूँ, लेकिन काफ़ी अरसे से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। सलजान कहती है, इंशाल्लाह कुंदुक्तो साहब जल्द अपनी माँ का हाथ चूमने और अपने भाई से मिलने आएंगे। बिबोलत कहता है, एक दफ़ा हमारा कबीला यहाँ आबाद हो जाए फिर हम इकट्ठे मिलकर रहेंगे। सलजान उसे कहती है, मुबारक हो आपको, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अपने बाबा की तरह गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। जो मंगोलों के आगे झुकते हैं वो ओगस के रास्ते पर नहीं चलते हैं। इल्बिलगे गुस्से में आ जाती है और कहती है, सलजान खातून मैं आपको अपने बाबा के बारे में इस तरह की बातें करने की इजाज़त नहीं दूँगी। बिबोलत कहता है, इंशाल्लाह कुंदुक्तो साहब ओगस के रास्ते पर चलते हुए मंगोलों के खिलाफ नहीं जाएंगे। इतने में एक सिपाही अंदर आता है और कहता है, अर्ताहुल साहब किले के कमांडर को पकड़ कर लाए हैं। ये सुनकर सब बाहर की तरफ चले जाते हैं। बाहर अर्ताहुल ने लईस को लाया हुआ होता है। द्रेगोस भी ये सब देखकर परेशान हो जाता है। अर्ताहुल कहता है, इस बुजदिल की तरफ देखो और इससे इबरत हासिल करो। ये उस कुत्ते द्रेगोस का आदमी है जो हमारे दरमियान कशीदगी फैला रहा था। मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्ताहुल पुख्ता अहद करता हूँ, जो लोग हमें तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारी एक शाख काटेंगे, मैं उनका सर काट दूँगा। मैं तलवार की कसम खाता हूँ, जालिम और जाबिर इससे पहले नहीं मरेंगे जब तक मेरी तलवार उनसे हिसाब नहीं ले लेती है। फिर अर्ताहुल अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है और लईस का सर कलम कर देता है। ये देखकर सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं और सब लोग खुश होते हैं, जबकि द्रेगोस बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और यहाँ इस किस का इख्तिताम हो जाता है। दूसरी तरफ कबीले में आयतोलन शफा वाले खैमे के अंदर पहुँच जाती है और वो वहाँ कबीले की डॉक्टर से पूछती है, हाँ तो बताओ खातून क्या अर्ताहुल भाई बिल्कुल ठीक हैं? वो हाँ में सर हिलाती है और उसकी नज़रें नीचे होती हैं। आयतुलन समझ जाती है कि ये कुछ छुपा रही है। फिर आयतुलन कहती है, बताओ क्या हुआ है हमारे बहादुर जवान को? लेकिन वो आगे से कोई जवाब नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ मरकज़ी खैमे में कुरकुर सरदार अर्ताहुल से कहता है, तुम्हारा जिरगा बुनाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है बेटा, तुमने मेरी और अपनी वालिदा की तौहीन की है। अर्ताहुल कहता है आप अगर गौर करें तो मेरा फ़ैसला बिल्कुल सही था। इस सूरत हाल में जिरगा ही बेहतरीन फ़ैसला करेगा, ना तो आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और ना मुझे कोई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मुजान कुरकुर सरदार कहता है, ताकत के साथ तुम महारत का भी इस्तेमाल खूब जानते हो बेटा, अगर तुम्हारे वालिद हयात होते तो यकीनन तुम पर फ़ख्र करते। अर्ताहुल कहता है, शुक्रिया मामू जान। फिर अर्ताहुल कहता है, मैं इजाज़त चाहूँगा। फिर अर्ताहुल अपनी तलवार उठाकर वहाँ से चला जाता है। इतने में तोदे के निकल कर आ जाता है और कहता है, आयतुलन खातून ने ठीक कहा था कि ये हमारे लिए हालात और भी मुश्किल बना देगा बाबा। कुरकुर सरदार कहता है, वो अपनी जिम्मेदारियाँ वापस लेना चाहता है,
लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिरगे में जो भी फैसला होगा वो उसको मानने का पावन है। तूतिकिन कहता है, क्या होगा अगर फैसला हमारे खिलाफ आ गया तो? अगर काई सरदारों ने मसला पैदा किया बाबा, और हमारे सरदारान ने भी उनका साथ दिया। कुटकुट सरदार कहता है, तो तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है बेटा, जो मुनासिब लगता है वो करो। तुदिकिन सीने पर हाथ रखता है और फिर वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद मंगोलों के ठिकाने का मंजर सामने आता है। हमजा सिपाही को नोयान के पास पहुँचा दिया गया था। फिर नोयान उसे बैठने का कहता है, तो वो नोयान के साथ बैठ जाता है। फिर हमजा सिपाही पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो नोयान? तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? नोयान कहता है, मुझे तुम जैसे बहादुर जंगजुओं की ज़रूरत है, जो मेरे साथ मिलकर लड़ सकें। यह सुनकर वो हमजा सिपाही कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं अपने कबीले के साथ गद्दारी करूं? यही चाहते हो ना तुम नोयान? नोयान कहता है, नहीं। काई कबीले का अजीम सरदार बनने का मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ। यह सुनकर हमजा सिपाही हैरान होता है और पूछता है, कैसे मुमकिन होगा ये? नोयान कहता है, अगर काई कबीला हमारे कंट्रोल में आ जाए और तुम्हारी ताबादारी कबूल करने में मान जाए, तो मुझे तुम लोगों को ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें शौहरत दूंगा, मर्तबा दूंगा और दौलत से माला माल कर दूंगा। तुम्हारी खिदमत करने के लिए कनीज़ें होंगी और तुम्हारी हिफाजत के लिए जदीद हथियार होंगे। मैं तुम्हें दुनिया की अजीम फौज का सिपाही सलार बनने की पेशकश कर रहा हूँ। बहुत जल्द हमारा पूरी दुनिया पर कब्ज़ा होगा। ये सुनकर वो हमजा सिपाही सोच में पड़ जाता है, और तांगुत और उल्लू बिलगे भी गौर से उसे देख रहे थे। दूसरी तरफ अर्तागुल अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था और कहता है, कोई भी उस मसले को देख नहीं पा रहा है जो नोयान की तरफ से है। तुर्गुत पूछता है, वालिदा और कुंदोग तो भाई क्या कहते हैं? अर्तागुल कहता है, उन दोनों को कायल करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जिरगे की हिमायत ज़रूरी है। दुआन पूछता है, हमें क्या करना होगा भाई? अर्तागुल कहता है, तुम लोग जिरगे के हर सरदार से मिलो और उनको बताओ कि मैं क्यों सिपाही सालार बनना चाहता हूँ कबीले का। मनसब की ख्वाहिश नहीं है मुझे, ये बात तुम वाज़े कर दो उन्हें। नोयान के हमले से पहले हमें हमला करना पड़ेगा, तभी हम जीत सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा, वो मार डालेगा हम सबको। बात करो सबसे। ये सुनकर अर्ताहुल के साथी कहते हैं, जैसे आपका हुक्म भाई। फिर अर्ताहुल कहता है, अब्दुलरहमान तुम्हारे लिए अहम काम है, तुम्हें नोयान की फ़ौज में मेरा जासूस बन कर जाना होगा। इस काम के लिए हम गायगली की मदद लेंगे, लेकिन पहले हमें हर हालत में जिरगे की हिमायत हासिल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम कुछ कर सकेंगे, वरना हमारी हिकमत अमली नाकाम हो जाएगी। नोयान को हमें जहन्नुम भेजना है। दूसरी तरफ कुंदोक्तों ने अपने पास कुछ जिरगों के आदमियों को बुलाया हुआ था, और सलजान भी उधर ही मौजूद होती है और वो देख रही होती है छुप छुप कर के कुंदोक्तों अर्तागुल की हिमायत करता है या तुदिकिन की। दूसरी तरफ तुदिकिन भी जिरगे वाले आदमियों को कायल करने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि लोग उसका साथ दें। इतने में तुर्गुत भी वहाँ पर आ जाता है और तुदिकिन को देखने लगता है और कुछ सोचने लगता है। तुदिकिन मुसलसल उन्हें समझा रहा होता है। दूसरी तरफ हमजा सिपाही नोयान से कहता है, अगर मैंने इनकार किया तो फिर? नोयान एक आदमी को इशारा करता है। नोयान कहता है, तुम्हारा घोड़ा तैयार है, तुम चाहो तो जा सकते हो,
मुझे तुम्हारी मौत से कोई फ़ायदा नहीं होगा हमज़ा, मुझे तुम्हारे ज़िंदा रहने से फ़ायदा होगा। मेरी पेशकश की अहमियत तुम अच्छी तरीके से जानते हो, और तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। फिर नोयान कहता है, तुम्हें अपने कबीले वालों से इंतकाम लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें गद्दार समझ कर निकाल दिया है और तुम अपने कबीले के एक वफादार सिपाही थे। नोयान उसे भड़का रहा होता है ताकि वो उसकी तरफ आ जाए। फिर नोयान कहता है, तुम अच्छी तरीके से इस बारे में सोच लो हमज़ा, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे मेहमान बन सकते हो, कल सुबह हम इस बारे में दोबारा गुफ्तगू करेंगे। इतने में नोयान एक को बुलाता है और उसे हमज़ा के बराबर में बिठा देता है। फिर नोयान उसे कहता है, हमज़ा मेरा मेहमान है, इसका तुम्हें बहुत ख्याल रखना है। दूसरी तरफ वो छोटा बच्चा तुराली कबीले से बाहर निकल गया था और एक छड़ी लेकर झाड़ियों पर मार रहा होता है। इतने में तुरगुत और देरी दमीर उसके पास पहुंच जाते हैं। देरी दमीर आवाज़ लगाता है, तुराली। तुराली देरी दमीर को देख कर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। देरी दमीर भी उसके पीछे भागता है, लेकिन तुराली बहुत तेज़ भाग रहा होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर तुरगुत कहता है, बहादुर बच्चा है बाबा। देरी दमीर कहता है, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है बेटा, तुम भी बचपन में इसी की तरह बहादुर थे। फिर देरी दमीर कहता है, जब अर्ताहुल मेरे पास तुम्हें लाया था तो तुम भी इसी की तरह थे, तुम इसी की तरह बहादुर और शरारती थे। तुरगुत मुस्कराने लगता है। फिर तुरगुत कहता है, तुदिकिन और कुंदोग दो सरदारों से बातचीत कर रहे हैं, आपके पास ये दोनों नहीं आए हैं, अच्छी बात है। देरी दमीर कहता है, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि मैं अपना फैसला कभी भी नहीं बदलूंगा, और वो दोनों मिलकर हमारे सरदार के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे बेटा। फिर वो दोनों आयकस की कब्र पर बैठ जाते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर फातिहा खानी करने लगते हैं। इसके बाद कबीले का मंजर सामने आता है। आज जिरके का दिन होता है, कबीले में हलचल होती है, सब लोग एक दूसरे के उम्मीदवारों को कायल करने की कोशिश कर रहे थे। तुदकिन मुसलसल अपने आदमियों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ अर्ताहुल के साथी भी अर्ताहुल की हिमायत करने पर सरदारों को रजामंद कर रहे होते हैं। कुछ सरदार उनकी बात से इत्तफाक भी करते हैं। फिर रात का वक्त हो जाता है। तुदकिन अपने खैमे में मौजूद था। आयतोलन कहती है, गोपचे हुनरमंद लड़की है, तुम्हारे ऊपर ये आस्तीनें अच्छी लग रही हैं। तुदकिन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं था कि वो इतना अच्छा काम करती है। आयतोलन कहती है, गोपचे का नाम लेते ही तुम्हारी आंखों में चमक भर जाती है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे बाबा से बात करूं। तुदकिन कहता है, अभी नहीं वालिदा, पहले मैं अर्ताहुल से लिमट लूँ। आयतुलन कहती है, ये भी ठीक है बेटा, क्या हुआ, तुमने सरदारों से बात की, क्या कहते हैं वो? ये सुनकर तुदकिन कहता है, कई सरदार अर्ताहुल के साथ हैं और उसके सिपाही भी उसी के साथ हैं, देली दमीर भी उसी का ही साथी है। ये सुनकर आयतुलन कहती है, और हमारे कबीले के सरदारों का क्या हाल है? ये सुनकर तुदकिन कहता है, आर्तुक भाई पर मुझे शक है, वो बहुत खामोश दिल के मालिक हैं। फिर तुदकिन कहता है, अर्ताहुल को जिम्मेदारियों से हटाना बहुत भारी पड़ सकता है हमें, ऐसा कहना है उनका। फिर आयतुलन कहती है, अर्ताहुल सिपाहियों का कमांडर बनने से
पीछे नहीं हटेगा और सरदारान भी उसे ही कबीले का सिपाही सालार देखना चाहते हैं। तो फिर सिर्फ एक ही रास्ता रहा है हमारे पास। यह सुनकर तुदिकिन कहता है, क्या? यह सुनकर आयतुलन कहती है कि अर्तागुल को नाअहल सिपाही करार दे दिया जाए, फिर हमारी हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। आयतुलन को पता चल चुका था कि अर्तागुल ज़ख्मी हो गया है और वो अपने हाथ से कई महीनों तक तलवार नहीं उठा सकता है। इस वजह से आयतुलन ऐसी बात कह रही थी। दूसरी तरफ खैने में हलीमा हाइमा खातून के साथ बैठी हुई थी और वो कहती है, नोयान का खात्मा किए बग़ैर वो चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन एक और बात भी है वालिदा, जो इससे ज़्यादा अहम है। ये सुनकर हाइमा खातून हैरान होती हैं और कहती हैं, वो क्या है? ये सुनकर हलीमा कहती है, उनका हाथ वालिदा, उनका हाथ तलवार पकड़ने के काबिल नहीं रहा है। हाइमा खातून पूछती हैं, उसके हाथ में क्या हुआ है? ये सुनकर हलीमा कहती है, नोयान ने उनके हाथ पर कील गाड़ दी थी वालिदा। ये बातें गोबजे भी बाहर खड़ी हुई सुन लेती है और वो तो हलीमा और अर्तागुल के ख़िलाफ़ ही होती है। फिर हाइमा खातून चौंक जाती हैं और कहती हैं, एह मेरे अल्लाह, ए मेरे मालिक, रहम फरमा, अब मेरा बच्चा क्या करेगा तलवार के बग़ैर? फिर हाइमा खातून पूछती हैं, कहाँ गया है वो? हलीमा कहती है, मालूम नहीं है वालिदा, पहले वो आर्तुक भाई के पास गए थे अपना हाथ दिखाने के लिए, उसके बाद वो कहाँ गए हैं मुझे नहीं पता है। वो मुझे बता कर नहीं गए हैं वालिदा। वालिदा, आप अर्तागुल से बात करें। हाइमा खातून कहती हैं, बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है बेटी, जो भी फैसला होगा वो जिरगा करेगा। ये सुनकर हलीमा पूछती है, लेकिन वालिदा, आपका फ़ैसला क्या है? हाइमा खातून रोने लगती हैं। कोबजे भी बाहर खड़ी हुई रो रही थी। इतने में अर्तागुल अंदर दाखिल होता है और कोबजे को कहता है, कोबजे। गोबजे पीछे मुड़ जाती है और फिर कहती है, मैं वो वालिदा को बुलाने आई थी। अर्तागुल कहता है, वो अंदर हैं। गोबजे कहती है, जी। फिर अर्तागुल अंदर जाने लगता है तो गोबजे कहती है, रुकिए, आपके आने से मुझे नई ज़िंदगी मिली है, अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। अर्तागुल कहता है, आमीन गोबजे, आमीन। फिर अर्तागुल मरकज़ी खैमे में दाखिल हो जाता है। अर्तागुल अंदर आता है तो हाइमा खातून रो रही होती हैं। अर्तागुल कहता है, वालिदा। हाइमा खातून उसे देखकर और रोने लगती हैं। फिर अर्तागुल कहता है, हलीमा सुल्तान। हलीमा भी बहुत परेशान थी। अर्तागुल समझ जाता है कि कोई ना कोई बात ज़रूर है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। जिरगा शुरू हो चुका था। अर्तागुल और देडी दमीर मरकज़ी खैमे में पहुंच जाते हैं। अर्तागुल कहता है, अस्सलाम वालेकुम। जिरगे के सरदारान कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। फिर अर्तागुल कुंदोगतों के साथ बैठ जाता है और आर्तुक को इशारा करता है। इतने में हाइमा खातून और कुरकुश सरदार अंदर दाखिल हो जाते हैं। सब लोग उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं और उन्हें खुशामदीद कहते हैं। फिर वो दोनों मरकज़ी खैमे के सरदार वाली नशिस्त की तरफ बैठ जाते हैं और बाकी सब लोगों को भी बैठने का कहते हैं। सब लोग बैठ जाते हैं। फिर हाइमा खातून कहती हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया, बेशक वही इस कायनात का खालिक और मालिक है। कबीले के मौज़ज़ीन और बहादुर सिपाहियों और कबीले के बुज़ुर्ग
खुश आमदीद, आप सब की आमद इज़्ज़त अफज़ाई का बायस है। ये सुनकर सारे सरदारान भी खुश आमदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर हायमा खातून कहती हैं, आज हम लोग सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अरताहुल का सिपाही सालार वाला ओहदा का बहाल करना है और हमारे जो सिपाही कबीले से बेदखल हो गए हैं उनका भी फैसला करना है। कुरकुर सरदार की इजाज़त से इस जिरगे का आगाज़ करते हैं। चलिए शुरू कीजिए। जिरगे का आगाज़ हो जाता है। दूसरी तरफ बाहर कबीले की ख़वातीन काम करने में मसरूफ़ थीं। हलीमा सुल्तान और सरजान भी बैठकर कुछ चीज़ें तैयार कर रही होती हैं। इतने में आयतुलन आकर गोपजी के पास बैठ जाती है। ये देखकर सरजान गुस्से में आ जाती है और फिर कहती है, कोई भी फैसला हो जाए हलीमा, लेकिन हमारे कबीले में अमन सकून नहीं आ सकता है। कम से कम वालदा और तुम्हें तो अरताहुल के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए था। हलीमा कहती है, मैंने बहुत बुरा किया है सरजान खातून, उन्हें तकलीफ़ दी है। मैं अपने होने वाले बच्चे की वजह से खौफज़दा थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सरजान पूछती है, ऐसा क्यों कह रही हो हलीमा? हलीमा कहती है, हायमा खातून इस सूरत हाल में अपने बेटे को लड़ने की इजाज़त नहीं देंगी। सरजान पूछती है, कैसी हालत, किस बारे में बात कर रही हो तुम? हलीमा कोई जवाब नहीं देती और उठकर जाने लगती है। सरजान कहती है, हलीमा, लेकिन हलीमा वहाँ से आगे बढ़ जाती है और तेज़ी से रवाना हो जाती है और कुएं के पास आकर खड़ी हो जाती है। इतने में आयतुलन भी खड़ी होकर उसके पास आने लगती है। ये देखकर सरजान और ज़्यादा परेशान होती है। फिर आयतुलन हलीमा से कहती है, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। हलीमा कहती है, बहुत शुक्रिया। सरदार अरताहुल बहुत मोहतात रहते हैं अपने कबीले के मुस्तकबिल के लिए, लेकिन मुझे उनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन आखिर वो भी एक इंसान हैं। जिरगे का फैसला आने के बाद अपने शौहर से मोहतात रहना हलीमा सुल्तान, कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में आकर हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी कर दे। हलीमा कहती है, सबसे मुश्किल वक्त से हम गुज़र रहे हैं, इसके अलावा और क्या मुश्किल वक्त होगा आयतुलन खातून। फिर आयतुलन वहाँ से चली जाती है और हलीमा परेशान हो जाती है और सरजान कुएं से पानी निकालने लगती है। दूसरी तरफ अरताहुल जिरगे में कहता है, ये हकीकत है कि नोयान जिस भी कबीले में दाखिल होगा तो वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा, वो सब को ख़त्म कर देता है। हर किसी के दिल में मंगोलों का खौफ मौजूद है, सबसे पहले हमें ये खौफ निकालना पड़ेगा। जंग का आगाज़ किए बगैर अगर हम मौसम सरमा गुजार देंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे बीमार डॉक्टर के पास ना जाए। कुंदोगतो पूछता है, तुम चाहते क्या हो अरताहुल, खुल कर बताओ। अरताहुल कहता है, सबसे पहले लोगों के दिल से नोयान का डर निकालना पड़ेगा। हमें मंगोलों को बताना है कि वो इस कबीले पर किसी भी सूरत में हमला नहीं कर सकते हैं। हमें सोने के ताजरों से बचकर रहना होगा, इस तरह वो समझ जाएंगे कि हमें उनका पता चल गया है। ये सब हमें फौरन करना है, इसलिए वक्त नहीं है कि हम दुश्मन को अपने ऊपर हमला हावर होने का इंतज़ार करते रहें। नोयान और उसके लश्कर को खबरदार करना है कि अगर वो यहाँ आया तो उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हायमा खातून पूछती हैं, तो तुम क्या चाहते हो? अरताहुल कहता है, इस मकसद को हासिल करने के लिए और नोयान को उसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए मुझे अपने बाबा सुलेमान शाह की दी गई ज़िम्मेदारी वापस चाहिए होगी। कुछ लोग हैरान होते हैं और तो लेकिन मुस्करा रहा होता है। दूसरी तरफ अरताहुल के साथी बेसब्री से जिरगा ख़त्म होने का
इंतज़ार कर रहे थे। अब्दुर्रहमान कहता है, और कितनी देर चलेगा ये जिरगा, कब ख़त्म होगा ये जिरगा। अर्तागुल कहता है, भाई इस जिरगे में उनका असल चेहरा सामने ले आएंगे। तुर्गुत कहता है, हम सबसे ज़्यादा अर्तागुल भाई मंगोलों को जानते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर रह कर आए हैं। जल या देर से जिरगा उनकी ये बात समझ लेगा और फिर अर्तागुल भाई दोबारा सिपाहियों के कमांडर बन जाएंगे। ये सुनकर अर्तागुल के साथी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिरगे का एक आदमी बोलता है, सरदार अर्तागुल के बातें हकीकत पर मबनी हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि इस पर अमल कैसे किया जाएगा। फिर एक और आदमी बोल पड़ता है और कहता है, आसपास ध्यान रखना, जासूसों को पकड़ना, मेरे ख़्याल से ये सारे काम इतने आसान नहीं होते हैं। ये सुनकर कुछ लोग उसकी बात से इत्तफाक करते हैं कि हाँ, ये ठीक कह रहा है, ये आसान काम नहीं है। कुंदोक्तु डरते हुए कहता है, उस वक्त क्या होगा जब नोयान हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए हमारे ऊपर हमला कर दे और हमारे खवातीन, हमारे बच्चों और हमारे कबीले वालों को मार डाले और हमारे जानवरों को ज़ाया कर दे, तो उस वक्त हम क्या करेंगे अर्तागुल। अर्तागुल कहता है, हमें हिफाजत की इकदामात बढ़ाने पड़ेंगे। तो दिकिन बोल पड़ता है और कहता है, किस हिफाजती इकदामात की बात कर रहे हैं अर्तागुल साहब? एक सिपाही की जान उसकी तलवार में होती है। आप पहले ही नोयान के हाथों अपना हाथ गंवा चुके हैं और अपना मकाम भी। जो सिपाही अपनी तलवार ना थाम सके, वो पूरे कबीले के सिपाही सलार कैसे बन सकता है? ये सुनकर सरदारान हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या वाकई ही अर्तागुल अपनी तलवार नहीं उठा सकता है? ये सुनकर कुड़कुड़ सरदार भी चौंक जाता है और तुदिकिन से पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो तुदिकिन, क्या तुमने अपनी आँखों से देखा है? तुदिकिन कहता है, ये सवाल आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं बाबा, इसका जवाब आपको आर्तुक भाई बेहतर देंगे। इतने में कुड़कुड़ सरदार पूछता है, आर्तुक क्या ये बात दुरुस्त है? अर्तागुल हाँ में सर हिला देता है। देरी दमीर ये सुनकर हकीम आर्तुक भी रजामन हो जाता है और बता देता है कि दुरुस्त है सरदार ये बात, कील गाड़ कर हाथ को ज़ाया करने की कोशिश की गई है। ये कहना कब्ज़ल वक्त है कि ज़ख़म बढ़ेगा या नहीं, लेकिन मौसम सरमा के अख्ताम से पहले ये ज़ख़म भरना मुश्किल है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और सलजान खैमे में मौजूद थे और गोबचे खाना पका रही थी। इतने में सलजान ने अर्तागुल के बेटे के लिए कुछ कपड़े बनाए थे और वो हलीमा को दिखाती है। हलीमा उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर हलीमा पूछती है, ये जिरगा कब ख़त्म होगा? सलजान कहती है, वो उसे उस्ताद नहीं समझ सकते हैं, जो उसकी बाबा की ज़िम्मेदारी नहीं निभाने दें उसे। हलीमा कहती है, सही क्या है और गलत क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ कुड़कुड़ सरदार कहता है, हमने सब के दलाइल सुन लिए हैं, अब फैसला सुनाने का वक्त आ गया है। हाइमा खातून कहती हैं, जी सरदार आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिर कुड़कुड़ सरदार कहता है, हमारे सिपाहियों के दरमियान ना इत्तेफाकी भरने से पहले और कबीले की बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं तुदिकिन को सिपाहियों के कमांडर के तौर पर तैनात करता हूँ और अर्तागुल को मुकम्मल सेहतियाब होने तक उसके साबका ओहदे से बरतरफ करता हूँ। क्या कबूल है आपको? सबसे पहले तुदिकिन अपना हाथ उठा लेता है, फिर कुंदोक्तु अपना हाथ उठाता है। अर्तागुल मुस्कराता है और समझ जाता है कि उसका भाई भी ऐसे ही डरपोक है और उसका साथ भी नहीं दे सका। फिर जिरगे के कुछ लोग अपना हाथ उठाने लगते हैं। अर्तागुल हैरान हो रहा होता है। इतने में एक और जिरगे का आदमी अपना हाथ उठा लेता है। बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया था। हकीम आर्तुक भी
इधर उधर देख रहा होता है, लेकिन वो अपना हाथ नहीं उठाता। इतने में हायमा खातून भी डरते डरते अपना हाथ उठा लेती हैं। अर्तगुल उन्हें देखकर चौंक जाता है कि वालिदा भी मेरे खिलाफ़ हो गई हैं। और तुदिकिन खुश होता है हायमा खातून को देखकर। बाकी सरदारान भी अपना हाथ उठाने लगते हैं। फिर हकीम आर्तुक भी अपना हाथ उठा लेता है। फिर कुरकुर सरदार भी अपना हाथ उठा लेता है और खुश हो जाता है, क्योंकि तुदिकिन और उसका यही मंसूबा था कि हम अर्तागुल को कबीले का सिपाही सालार नहीं बनने देंगे। और अर्तागुल हायमा खातून का हाथ उठा हुआ देख रहा होता है और बहुत मायूसी और गम में होता है। और सब लोग हैरान होते हैं। हायमा खातून अर्तागुल की तरफ नहीं देख रही होती। फिर अर्तागुल मुस्कराता है और समझ जाता है कि कोई भी उसके साथ नहीं है। लेकिन दिली ज़मीर अर्तागुल का वफ़ादार था और वो हाथ नहीं खड़ा करता है। फिर कुरकुर सरदार सबको हाथ नीचे करने का कह देता है। फिर कुरकुर सरदार कहता है, इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाता है कि अर्तागुल के जो सिपाही हैं वो कबीले में ही रहेंगे, अर्तागुल की कमांड में। और सिपाही अब्दुर रहमान जो सिपाही है वो कुंदोक्तों और तुदिकिन पर घात लगाकर हमला करने के जुर्म में कैद में रहेगा। ये सुनकर हायमा खातून उदास हो जाती हैं। फिर कुरकुर सरदार कहता है, जब तक कि उसकी बेगुनाही साबित ना हो जाए, दुआ है अल्लाह से कि वो हमें गलतियों से महफूज रखे। सब लोग कहते हैं आमीन। हमने जो जिरगे में फैसले किए हैं उसकी अमल दरामत करने पर हमें तौफीक अता फरमाएं, आमीन। अर्तागुल बहुत हैरान होता है। दूसरी तरफ बाहर कोचा पहाड़ टहल रहा होता है। दुआन और तुर्गुत भी बहुत परेशान थे कि आखिर ये जिरगे का फैसला आएगा कब। अंदर कुरकुर सरदार कहता है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो अर्तागुल बेटा? फिर अर्तागुल खड़ा हो जाता है और कहता है, सुलेमान शाह का बेटा अर्तागुल जिरगे का फैसले का एहतराम करेगा। अल्लाह हमें आपके जो आपने जो फैसले किए हैं उसकी कीमत अदा करने से महफूज रखे। सब कहते हैं आमीन। फिर अर्तागुल जाने लगता है और फिर पीछे मुड़ता है और कहता है, लेकिन आप लोग ये भी याद रखें कि एक बहादुर की निगाह तलवार से ज़्यादा तेज़ होती है। दुआन कहता है बाहर, आखिर कब ये जिरगा ख़त्म होगा और इस जिरगे में हो क्या रहा है? तुर्गुत कहता है, अर्तागुल भाई ने ये जिरगा बुलवाया है। तुर्गुत कहता है, दुआन लेकिन मुझे कोई अच्छी खबर की उम्मीद नहीं लग रही है। दुआन कहता है, ऐसी बात मत करो तुर्गुत। इतने में अर्तागुल मरकज़ी खैमे से बाहर निकल आता है। कोचा पहाश अर्तागुल को देखकर मुस्कुराता है। फिर अर्तागुल बाहर आकर आगे बढ़ने लगता है। फिर अर्तागुल के पास तुर्गुत और दुआन भाग कर जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ अर्तागुल भाई? अर्तागुल कहता है, ये लोग नहीं समझेंगे। इतने में सलजान अर्तागुल को देखकर कहती है, अर्तागुल भाई, कोबजे आकर कहती है, क्या जिरगा ख़त्म हो गया? इतने में आयतुलन वहाँ आ जाती है और कहती है, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि खिलौना छीन लिया हो किसी बच्चे से। ये सुनकर हलीमा, कोबचे और सलजान गुस्से में आ जाती हैं। फिर आयतुलन कहती है, ये सब सब जानते हैं कि जिरगे का फैसला ठीक होता है। जाहिर है सरदार नहीं चाहते कि अर्तागुल की वजह से हमारा कबीला मुश्किल में पड़े। इतने में सलजान गुस्से में आ जाती है और कहती है, कितनी जहरीली जबान है तुम्हारी, किस तरह के अल्फाज का इंतखाब करती हो तुम। मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे क्या इरादे हैं, लेकिन मैं तुम्हें इसका मज़ा ज़रूर चखा कर रहूँगी आयतोलन। गोपचे कहती है, बाजी। सलजान उसे कहती है, तुम इस मामले से दूर रहो। आयतोलन कहती है, तुम्हारे अल्फाज ने मेरा दिल तोड़ दिया है। सलजान खातून, लेकिन दोनों कबीले का मुस्तकबिल मेरे लिए ज़्यादा अहम है। सलजान कहती है, क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हें जानते नहीं कि तुम कितनी बड़ी फितना हो? आयतुलन कहती है, बात सुनो, मैं तुम्हारी मासूम बहन की वजह से खामोश हो गई हूँ,
लेकिन आइंदा अपने अल्फाज का सोच समझ कर इंतहाब करना। ये कहकर वो चली जाती है। सलजान गुस्से से उसके पीछे जाने लगती है तो गोपचे उसे रोक लेती है और कहती है, आप क्यों उनके पीछे पड़ी हैं? गोपचे कहती है, मैं उसके पीछे पड़ी हूँ? वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, मेरे कबीले में वो हमारे ऊपर कब्ज़ा करना चाहती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? गोपजे कहती है, सच में आप कितनी गिरी हुई हैं, आप अपने आप को मज़लूम कैसे समझती हैं? सोच समझ कर बात करें वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ये सुनकर सलजान बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है।